टैप कर लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और वीडियो भी ज़्यादा। हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपके बहुत सारे डीएम आए थे यार मेरे पास कि मैम आप अपने मेकअप पे एक वीडियो बनाएं कि आप किस टाइप का मेकअप करते हैं, लाइक आप अपना मेकअप कैसे करते हैं। तो मेरे को सीरियसली बताऊं कि मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है, बट यस काम चला हूँ मैं कर लेती हूँ। और ये वीडियो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहती थी, आप स्टार्टिंग से मेरे को बोल रहे थे कि इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बट मैंने नहीं बनाया वो इसीलिए क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है ना, मैंने सीखा, बट हाँ थोड़ा बहुत काम चलाऊ कर लेती हूँ। बट आपने इतना ज़्यादा मेरे को डीएम किया कि मेरे को आज फाइनली इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और मेरे पास आज कोई शूट करने वाला नहीं है, मतलब मेरा फ़ोन कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो आज हम कुछ जुगाड़ करूँगी मैं, अगर फ़ोन मेरा रखा गया सीधा तो आई डोंट नो। एक मिनट मैं पहले, हाँ जी तो इजीली आई थिंक मैं बैठ गई हूँ, मेरा फ़ोन भी फाइनली एक जगह पे रुक गया है। तो मैं बहुत 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 सिंपल मेकअप करती हूँ यार, एंड पता नहीं आप लोगों को ये वाला पसंद आएगा नहीं आएगा, बट कोई नहीं स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले तो जो प्राइमर वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं लगाती मैं ये वाला, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसके लिए ये जो कॉफ़ी बॉडी लोशन है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये अगर किसी की भी स्किन ड्राई है तो एक बार ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा, बेस्ट है। मतलब मैंने एक बार ये यूज़ किया, उसके बाद तब से मैं ये वाला ही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो हल्का सा आप अपना ऐसे डैप 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 कर लीजिए, ये मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ ये वाला लोशन। अगर किसी का ऑयली है तो वो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑयली बना देगा ये आपकी स्किन को। तो ऐसे जहां जहां से भी आपको करना है, मेरे को नेक पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, ये देखिए, क्योंकि मेरे को मतलब मेकअप ही मैं बहुत ज्यादा हल्का करती हूँ, तो वो उनको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा ये वाला कवर करने की, जो मेकअप ज़्यादा डार्क करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं। मैं बिल्कुल लाइट करती हूँ तो मुझे ये सब कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे पहले अगर आपके वैसे मेरे आ नहीं रहे हैं, बट स्टिल मैं ये लगा लेती हूँ ताकि बिल्कुल भी मेरे हेयर आगे ना आ पाए। एंड इसके बाद जो भी फाउंडेशन मेरी स्किन टोन के साथ ये वाला जाता है, आप चेक कर लीजिए, मैं ये वाला यूज करती हूँ और कितना करती हूँ दैट्स इट, बस इसको आप ऐसे 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 साथ में इसके साथ डैप कर लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना होए। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ये सारा फ़ोन में ही देख के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना छोटे वाला मिरर नहीं है। एंड ये वाला आपने लगा लिया, अब साथ में इन दोनों को मैश कर लीजिए, मतलब मैं अपने हैंड से ही करती हूँ, अपनी फिंगर से ही, मैं कोई भी ब्रश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ इसके लिए। होप आपको ये सही लगेगा, आई डोंट नो, बट वही मेरा मेकअप करने का तरीका यही है। और आप अपना भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसे कंफर्ट होते हैं मेकअप करने में। और ये मैं कोई पार्टी वियर या कुछ भी उस टाइप का नहीं बना रही हूँ, ये मैं जो डेली टाइप मेकअप हम लोग करते हैं, ये मैं उस टाइप का मेकअप बना रही हूँ, मेकअप वीडियो बना रही हूँ, जैसे जो डेली रूटीन में चलता है हल्का हल्का लाइट वाला मेकअप, मैं वो वाला बना रही हूँ। और ये देखिए मेरे डार्क सर्कल, ये देखिए अच्छे से पूरा हो गया ये कवर। और अगर भी ज़्यादा करना चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं, बट मेरे को कभी भी नीड नहीं होती है, हल्का हल्का जो यहाँ पे होता है उसी को मैं नीचे कर देती हूँ। तो ये देखिए, अगर किसी के डार्क सर्कल है तो उसके लिए, मतलब मेरे लिए मैं अपना बता रही हूँ, इसमें भी कई आते हैं लाइट डार्क, इससे लाइट, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ, बट मुझे नीड नहीं होती है ये वाला यूज़ करने की, कभी कभार करती हूँ मैं। तो ये हल्का सा, अगर ये ऊपर नहीं निकला हुआ तो आप इसको ऐसे, ये देखना आवाज आएगी इसमें से,
तो उसमें से जो भी ये अंदर वाला लिक्विड है वो इसके ऊपर आ जाएगा। एंड आप ऐसे करके और इसको आपने पूरा ऐसे बस ऊपर डैप डैप करके लगाना है लाइक दिस। इसको आपने पूरे पर रब ऐसे ऐसे नहीं करना है क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं होगा। ये सिर्फ जिसके डार्क सर्कल होते हैं ये मेनली उस चीज उन लोगों के लिए है, तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं है। और मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे कभी कभी दिख जाते हैं लाइक जैसे नाइट में हम लोग लेट सोते हैं और फिर सुबह अगर जल्दी उठ जाओ, मेरी नींद पूरी ना हो ना, तो मेरे ये दिख जाते हैं। फिर अभी देखिए मेन मैं कैमरे में ही देख के कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा मिरर नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपना जो बड़ी वाली जो मिरर है उसके सामने ही खड़े होकर मैं करती हूँ। और सडनली मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये वाला वीडियो में दे देती हूँ, तो नहीं तो मैं पहले ले आती। आई थिंक ये अच्छे से लग गया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर कुछ कमी रही हो तो। एंड इसके बाद जो है आपको जो भी कलर का आई शेडो लगाना है, क्योंकि आप घर पे डेली मेकअप में दिखा रही हूँ, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा डार्क वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे। और लाइक मैं आज लगाती हूँ, ये भी मैं फिंगर से ही लगाऊंगी, हालांकि ब्रश है मेरे पास बट मैं फिंगर ही यूज करूंगी इसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि ये ब्रश से नहीं लगेगा, ये ब्रश से भी अच्छा लग जाता है, बट मैं थोड़ा फिंगर से ही करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए फिंगर से ही मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। और कई बार क्या होता है ना, ऐसे जब लगाते हो थोड़ा सा गैप रह जाता है, देन उस टाइम आप अपना ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने पिंक कलर वाला लगाया है, तो मैं मोस्टली अगर आप देखेंगे मेरी वीडियोस में तो मैं पिंक कलर ही ज्यादा यूज करती हूँ, एंड पिंक कलर जो है मेरा फेवरेट है। ये देखिए ये मैंने हल्का हल्का ये ऊपर अपना आई शेडो लगा लिया है, एंड दैट्स इट। मैंने कोई ज़्यादा नहीं लगाया है इसमें, बिल्कुल लाइट वाला है। ये देखिए अगर थोड़ा सा ऊपर अगर ऐसे लगे आपको कि ज़्यादा हो रहा है, तो अपने हैंड से ऐसे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। देन वैसे मेरी देखिए आईब्रोज बहुत डार्क हैं, बट वैसे नॉर्मली जब मैं घर पर रहती हूँ तो नहीं करती हूँ, बट वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, आई थिंक आपको दिखेगा ये वाला, ये देखिए ये देखिए। तो इसका बेनिफिट क्या है ना, ये इधर से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये इधर से पूरा इसको शेप देने के लिए। तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ये वाला मैं कैसे यूज करती हूँ। और भाई कुछ मेकअप में मुझे लग रहा ऊपर नीचे हुए तो बता देना, क्योंकि मैं कैमरे में ही शूट कर रही हूँ ये वाला, और मैं सोच रही थी बस 5 मिनट की वीडियो ही दूंगी, बट आई थिंक इसमें टाइम लग जा रहा है क्योंकि एक तो मिरर नहीं है ना मेरे पास, इसलिए। ये देखिए हल्का सा डार्क करो, ज्यादा नहीं। एंड ये वाला ये देखिए कलर इसका कैसा है ना, ये ब्लैक है ना ये ज्यादा ब्राउन है, थोड़ा दोनों का मीडियम शेड है ये, तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे। तो इसमें बिल्कुल आपका नेचुरल लुक आएगा, वो लगेगा ही नहीं कि आपने अलग से कुछ इस पर मेकअप किया है। ये देखिए मेरा डन हो गया है। एंड वैसे मैं पिछले 2-3 दिन से मैं ये वाला लगा रही हूँ, बट मेरे साथ क्या है ना, जब मैं अंदर की साइड ये जो काजल वाले लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुजली सी होती है आँखों में, तो आज जो है मैं ट्राई करूँगी मेरा आईलाइनर। आईलाइनर कहाँ गया भाई मेरा, अरे यार चलो आज मैं आपको काजल ही लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा आईलाइनर मेरे ख्याल से मैं रखना भूल गई हूँ, तो फिलहाल मैं लगा लेती हूँ काजल ही। अभी उठ के जाना पड़ेगा मुझे, एंड उसके लिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, जो कि मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं वीडियो स्टॉप करूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको और यही अगर आपको लाइक एक आपने देखा होगा ये तो नीचे बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो हर कोई लगा लेता है, ठीक है। अगर आपको यही ऊपर वाली लैसेस पे लगाना है तो आप ऐसे कीजिए, आईज को क्लोज कीजिए, ऐसे लगा के आईज को क्लोज एंड कुछ इस टाइप से कीजिए,
तो ये देखिए डिफरेंस दिखेगा आपको, इसमें ऊपर भी लग जाएगा, इसमें भी ऊपर नहीं लगा है, इसमें भी ऐसे मतलब नीचे वाली पे रख के आईज को क्लोज करके थोड़ा ऐसे कर दीजिए, दैट्स इट, दोनों में लग गया ये। ये वाला मेरा डन हो गया है। इसके बाद नंबर आता है आपका ब्लश, ये वाला यूज करती हूँ, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया, दिस इज माय फेवरेट वन एंड यही वाला मोस्टली मैं यूज करती हूँ, और इसके लिए मैं ब्रश यूज करती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा इतना लाइट मेकअप आई थिंक कोई नहीं करता होगा जितना लाइट मेकअप मैं करती हूँ, उसको मेकअप भी नहीं बोलेंगे मतलब, क्योंकि आपने देखा कि मैंने फाउंडेशन कितना लगाया है, और इतना कम मुझे आई थिंक इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरी स्किन पे कोई ज़्यादा डार्क स्पॉट लाइक उस टाइप का नहीं है, तो जिनका फेस थोड़ा वैसा होता है पिंपल वाला या डार्क स्पॉट टाइप का होता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आई थिंक मेरे को इसलिए भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है ये वीडियो आज का लंबा जाएगा, बट मैं क्या करूँ, मैं जितना स्पीड से हो रहा उतना आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हो गया डन, और अगर ये थोड़ा ज्यादा भी लग जाए ना तो चलेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद खुद ही डल होके एक जैसा हो जाता है, तो इसमें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली मेरी बिंदी का टाइम आ गया है, एंड बिंदी मैं कौन सी वाली लगाऊं, चलो फिलहाल मैं कोई भी उठा के लगा लेती हूँ। मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है बिंदी, एंड लिपस्टिक जब भी लगाती हूँ मैं सबसे पहले, मतलब पता नहीं कितने, जब से ये नई आई थी ना, जब फर्स्ट टाइम नई आई थी तब से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, लाइक नोट इसको, यही खरीदे तो बहुत सारी ली, बट ये मैबलिन का ये काफी अच्छा रहता है। पहले आप ये वाला लगाओ, ठीक है, उसके बाद जो भी आपको यूज करना है, लाइक मेरे पास ये नायका की है एंड इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखिए Done. अभी मेकअप क्या रह गया, उसके अलावा अगर आपको कुछ, बस यार इतना बहुत आई थिंक मेरे ख्याल से मश्कारा मेरा रह गया है। सबसे बेस्ट लगता है मुझे मश्कारा आई मेकअप में अगर मैं बात करूं तो, ये हर किसी के पास नॉर्मली मिल जाएगा, इसमें मैंने कोई भी बहुत ज्यादा महंगे वाला इसमें यूज नहीं किया है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये हल्का सा मेकअप करने के लिए आप इजीली नॉर्मली प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए भाई ऐसा सा कुछ मेरा लुक हो गया है, आधी चीज़ मैंने रखी नहीं है इसमें तो बस, और उसके बाद फाइनली जो है डियो टाइम, डियो इट्स नॉट डियो इट्स परफ्यूम, डन। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये मैंने बहुत ही लाइट वाला जो है मैंने मेकअप किया है, इसमें मैंने एक दो चीज जैसे जो हाइलाइटर होता है जो थोड़ा शाइन करने वाला होता है, लाइक उसको आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में आईब्रोज के यहाँ पे लगा सकते हो, बट डेली यूज में उतना मैंडेटरी नहीं होता यार, वो आप इतना भी कर लो इनफ होता है आई थिंक। ये मैं थोड़ा और आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इसका कि कैसा लगेगा ये, ये देखिए आई थिंक ये बेस्ट है यार, इससे ज़्यादा लग करोगे आप तो ओवर लगेगा। तो मैं जो मेकअप करती हूँ, आप पूछते हैं कि आप मेकअप कैसे करते हैं, तो ये देखिए मेरा मेकअप कुछ इस टाइप से करती हूँ, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल थोड़ा सा। तो होप आपको ये वीडियो हेल्प कर पाएगा आपका मेकअप करने में, और अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा और कुछ आई मेकअप का, लाइक मैं कलर ऊपर वाला भी आईलाइनर लगाती हूँ, कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू लाइक इट, और वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आई लव यू, बाय।